हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली जननायक जनता पार्टी की राहें इस बार आसान नहीं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक बाद से अब तक पार्टी के 5 विधायकों ने दुष्यंत चौटाला को अलविदा कह दिया है। कुछ इसी तरह से भगदड़ बिहार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में भी लोकसभा चुनाव के दौरान मच गई थी। पार्टी के कई नेताओं ने अप्रैल में लोकसभा चुनाव से पहले ही साथ छोड़ दिया। कमोबेश अब हरियाणा में 4.5 साल तक सत्ता में रही जेजेपी का भी है। दरअसल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को भाजपा ने सीएम का पद से हटा दिया। इसके बाद हरियाणा को नायब सैनी के तौर पर सीएम मिले। सैनी ने जेजेपी के दरकिनार करते हुए अकेले सरकार बनाई और जेजेपी से संगठन तोड़ दिया। इसी सियासी घटनाक्रम के बाद जेजेपी में उठा पटक का दौर शुरू हो गया। जेजेपी के 2 विधायकों ने खुले तौर पर भाजपा को समर्थन देने की बात कह दी, लेकिन अब चुनाव का ऐलान होते ही पार्टी टूटने लगी। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से अब तक जेजेपी के 5 विधायक पार्टी के साथ छोड़ चुके हैं। गोला चीका से विधायक ईश्वर सिंह, पूर्व पंचायत मंत्री टोना के विधायक देवेंद्र बबली, उकाना से अनूप धानक, शाहबाद से रामकरण काल और बरवाला से जोगी राम सिहाग ने इस्तीफा दिया है। बुधवार को रामकरण काला ने दिल्ली में कांग्रेस का दामन भी थाम लिया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र से जेजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रहे पालाराम सैनी ने जेजेपी को अलविदा कह दिया। ऐसे में दुष्यंत की पार्टी में भगदड़ सी मच गई। दरअसल हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने 10 सीटें जीती। इसी के दौरान जेजेपी किंग मेकर बनी और भाजपा के साथ सरकार बनाई। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि 2019 में विधानसभा चुनाव में जेजेपी को 14.9% वोट मिले। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जेजेपी सभी प्रत्याशियों की जमानत ही जब्त कर दी और महाजा 0.87% वोट ही उन्हें मिले। ऐसे में जेजेपी की लोकप्रियता को देखते हुए सभी साथ छोड़ रहे हैं। जेजेपी छोड़ने वाले विधायकों के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने 2 दिन पहले कहा कि जेजेपी ने विधायकों को मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी और जेजेपी से ज्यादा मान सम्मान उन्हें कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए पार्टी छोड़ने की क्या वजह रही वो ही बता पाएंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान के भी झटके लगे थे। भाजपा ने उन्हें हाशिए पर रखा था, साथ ही चाचा से भी चिराग का विवाद चल रहा था और इस पार्टी के 20 से अधिक नेता उनका साथ छोड़ गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने दमदार प्रदर्शन किया और 5 सीटें जीत ली। इससे पहले 2020 में चिराग की पार्टी टूट गई थी और चाचा पशुपतिनाथ पारस ने अलग राह पकड़ ली थी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 4 इंडिया।